हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपना जो अंतःस्पर्शी कर रहे थे उनका प्रैक्टिस का सेक्शन था, और जो लिमिट और कंटिन्यूटी का प्रैक्टिस सेक्शन है वो सुबह आएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये वाला कर लिया था। पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम की इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री सॉरी माइनस थ्री ए बी थ्री ए एक्स कोमा वाई की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अपन कर चुके, मतलब ये वॉल्यूम की क्वेश्चन है। वॉल्यूम की क्वेश्चन से आपको याद आ गया होगा, ऐसे करके अपनी कुछ बनी थी और उसमें हमने ये वाला एक अनंत स्पर्शी मिली थी, राइट, जिसने मतलब ग्राफ ऑफ कर्व इन 2D पढ़ा था, उसके लिए एक सेकंड का क्वेश्चन है। बाकी अपन अपने प्रोसेस से करेंगे। और ये कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर दोनों में आया हुआ है, ठीक है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन। और करते हैं प्रोसेस से, अपने को एफ एक्स वाई दे रखा है, तो इसमें बाकी तो कोई नहीं लग बाकी कोई वो नहीं लग रहे, मेथड नहीं लग रहे, ना एफ एन वाला लग रहा है ना अपने को मतलब लघु विधि वाला कुछ नहीं लग रहा। तो स्टार्ट करते हैं इसका। लघु विधि वाला नहीं लग रहा, तो अपना जो भी प्रोसेस था उस जो फाइव एन एम वाला उससे करते हैं। तो फाइव एन एम मैं निकालू तो सबसे पहले पहले तो इसको देखते हैं। ये जो समीकरण है इसमें ये तीन घात के पद है, दो पद है और ये दो घात का एक पद है, दे रखा है इसके इक्वल 0 दे रखा है। ओके, ये दो घात का एक पद है। तो अपने को देखना है फाइव एन एम मतलब सबसे ज्यादा घात वाले पद में क्या रखना है, एक्स की जगह 1 रखना है और वाई की जगह एम रखना है। तो फाइव एन एम बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 प्लस m³, राइट, यही तो मिली वैल्यू। तो यहाँ से इसको इससे यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो जो वो क्या आ जाएंगी, प्रवणताएं। तो m की वैल्यू कितनी होगी, ये किस इसका मैं इसको ब्रेक करूं तो m² माइनस m+1 बन जाएगा इक्वल टू 0। ये तो कितनी आ गई, m इक्वल -1, बाकी ये क्या आएंगी, इमेजिनरी, ये ब्रेक नहीं हो रहा ना, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे इमेजिनरी। तो अपने को तो क्या निकालनी है, वास्तविक अनंत स्पर्शियां, क्योंकि इन इमेजिनरी को अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। तो वास्तविक अनंत स्पर्शियां अपने पास ये आएगी जो अपन जिसकी प्रवणता कितनी है, -1 है। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, फाइव एन -1 m अपॉन फाइव एन डैश m, राइट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3 ए और एक्स की जगह 1 और वाई की जगह एम, और अपॉन में एक बार डिफरेंशिएशन इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 3 m² राइट। तो यहाँ से कितना बचा, 3 से 3 कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो ए अपॉन एम बचा, वो भी नेगेटिव, राइट। और इसमें इसका ये भी क्या है, नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अपन एम इक्वल किसके लिए निकाल रहे हैं, -1 के लिए निकाल रहे हैं। तो सी की वैल्यू ए अपॉन एम -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए ना, तो ये नेगेटिव आ गई, मतलब एम की वैल्यू मैं रखू, एम इक्वल -1 है तो माइनस ए वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अपनी जो इक्वेशन थी वो कैसे बनती थी, वाई बराबर सी की वैल्यू ए आ गई नेगेटिव, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, इसमें रखेंगे तो वाई एम की वैल्यू कितनी है, -1, तो -x और सी की वैल्यू -a। तो यहाँ से अपनी जो लाइन बनी वो क्या बनी, x+y+0। और मैंने ये वाला वॉल्यूम का इक्वेशन कराई थी, जो ग्राफ बताया था उस टाइम पे मैंने ये भी बताया था कि जो अपनी अनंत स्पर्शी बनेगी उसका समीकरण ये होगा। तो ये इसकी क्या होगी, एक
अनंतस्पर्शी होगी, बाकी की दो काल्पनिक होंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। y माइनस टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री वाई माइनस टू एक्स, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल कॉन्स्टेंट है 5, ठीक है। इसकी अनंत स्पर्शियां निकालनी है अपने को। क्वेश्चन ये है कि इस कर्व की अनंत स्पर्शियां निकालो। अब अपने को पहले देखना है कि इसमें मैक्सिमम पावर की कितने, दो घात का यहाँ पे है, ये तीन घात ये पद है ना, पॉलिनोमियल है। और ये कितना है, दो घात का, राइट। और ये कितना है, एक कॉन्स्टेंट, डन। तो ये तीन घात का है, फिर दो का है, और फिर यहां से ये वाला क्वेश्चन उससे हो जाएगा, एफ एन से हो जाएगा। बट वहां पे मैंने ये बता दिया आपको कि मैक्सिमम दो घात का अंतर होना चाहिए, और वो इस रूल को ब्रेक कर रहा है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे चेंज कर लेना। मैंने वहां पे बताया था एफ एन प्लस पी एन माइनस टू, तो ये जरूरी नहीं है पी एन माइनस टू, जो पी एन माइनस वन भी हो सकता है क्योंकि इक्वेशन हो रहा है उससे, ठीक है। तो इसमें अपन ये वाला एफ एन प्लस पी एन माइनस टू वाला इक्वल जीरो वाला, इसमें क्या बताया था, ये इसके क्या हो जाए, लीनियर फैक्टर हो, ये लीनियर फैक्टर हो तब। बट इसमें तो लीनियर फैक्टर है ही नहीं, ये दो बार आ रहा है ना। ओके ओके ओके, बट ये बन जाएगा उसमें, देखो देखते हैं कैसे बनेगा। मैं दोनों में क्या लूं, मैं इसमें कॉमन आउट ले लूं क्या, ये y माइनस टू एक्स वहां पे चेंज नहीं करना, वो सही था, मैं गड़बड़ कर दी ना। इसमें ये कॉमन ले लूं और साथ में क्या ले लूं, थ्री एक्स प्लस फोर वाई कॉमन ले लूं। तो यहाँ से इसमें पहले वाले इक्वेशन में क्या बचेगा, पहले वाले स्टेप में y माइनस टू एक्स, और इधर क्या बचा, प्लस थ्री माइनस फाइव इक्वल जीरो, ये बन गया ना देखो। तो यहाँ से ये कितने घात का इक्वेशन बना, एक दो तीन, तो ये हो गया तीन घात ये पद, और ये हो गया जीरो घात का। तो यहाँ तीन है, यहाँ पे जीरो है, तो ये दो से अधिक आ गया ना। यहाँ से अपन एफ एन प्लस पी एन माइनस टू वाला लगा सकते हैं, वहां पे दो से अधिक का ही अपने पास क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है। पहले तीन घात का है, उसके बाद में एक घात का आना चाहिए, फिर जीरो का आना चाहिए। यदि पांच घात का है तो पहले अपने को तीन घात या दो घात, मतलब तीन से कम का मिलना चाहिए, तीन या तीन से कम। तो यहाँ से तो अपने पर अनंत स्पर्शियां डायरेक्ट आ गई, ये एफ एन आ गया, एफ एन इक्वल जीरो करना है। तो यहाँ से क्या जाएंगे, वाई माइनस टू एक्स, थ्री एक्स प्लस फोर वाई, और यहाँ से y माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो। तो यहाँ से क्या बना, y इक्वल टू एक्स एक अनंत स्पर्शी, दूसरे थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल जीरो दूसरी अनंत स्पर्शी, और तीसरी y माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, ये क्या होगी, तीसरी अनंत स्पर्शी होगी। तो ये कितने, ये तीन घात का पद है, इसमें अपने पास तीन अनंत स्पर्शियां मिल गई, मतलब सारी की सारी इसकी जो अनंत स्पर्शियां थी वो किस टाइप की थी, तिर्यक अनंत स्पर्शियां थी। ओके डन, अब अपने को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले वाले पेज में कर लेते हैं। मतलब अपने को क्वेश्चन को ठीक ठाक से देखना है, ढंग से कि भाई क्या क्वेश्चन दे रखा है। जैसे उसमें यदि मैं उसको सी से करती तो फिर काफी लंबा चौड़ा हो जाता, और यदि उसमें कुछ, मतलब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएससी की जो एग्जाम है फर्स्ट सेकंड ग्रेड की, उसमें आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि बंदे को ये वाला दिख गया, इसके फैक्टर की वे कॉमन आउट आके, और ये एफ एन वाला फॉर्म बन रहा है, ये वाला दिख गया तो कर देगा इस क्वेश्चन को, अरे ये नहीं दिखा तो मतलब बैठा रहो इसमें, लगे रहो। फिर y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस एक्स प्लस
में भी शायद लग जाएगा, उसके लगे 3x y माइनस 2x, और इधर क्या है फिर 2x प्लस 2y इक्वल -1 इक्वल 0। इसकी अच्छा ये दे रखा है ऑलरेडी, इसमें क्या दे रखा है कि y माइनस टू एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। ओके ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि y माइनस ये जो कर्व है इसमें y माइनस टू एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो, तो वही अपना प्रोसेस कौन सा वाला लघु विधि थर्ड, उसमें क्या करना था अपने को जो y माइनस टू एक्स है इसका वेक्टर रखना है और बाकी को क्या करना था, बाकी को उसके y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर ये तो अपने को रखना है और बाकी को उसके क्या कर देना है भाग दे देना है बाकी को, बाकी वाले में बच गया उसमें, तो इसमें लिमिट लगा दूं मैं साथ में, इसमें भी रख लेंगे 2x का भाग देना है लिमिट y अपॉन x कितना हो जाएगा इसका, फर्स्ट लिमिट आएगी y अपॉन x ये जाएगा 2 से और दूसरी लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट राइट। लाइट चली गई यहाँ भी नहीं रही है, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 3x में इसका भाग दे रहे अपन y माइनस x का ओके, और इधर ये लिमिट इसमें भी लगाएंगे बच गया इसमें भी, तो पहली लिमिट y अपॉन x इक्वल टू और दूसरी लिमिट क्या थी x टेंड टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस x, यही तो था कौन सा वाला y माइनस एम एक्स और प्लस लिमिट जो बच गया पी एफ एन माइनस वन उसमें जो बच गया उसका भाग देते थे राइट, और लिमिट आती थी कर्मिक ओके। अब इसमें लिमिट रखते हैं कि ये फर्स्ट वाली टर्म y माइनस टू एक्स हो गया, y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे y अपॉन x लिमिट रखने के लिए अपने को टर्म बनानी पड़ेगी y अपॉन x की, तो इसमें टर्म बनाओ ये मैं पूरी में x कॉमन ले लूँ मतलब x का भाग दे दूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट ही रख रही हूँ मैं एक नंबर दो नंबर ओके, तो ये y अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा और नीचे y अपॉन x माइनस 1 और इधर प्लस में लिमिट y अपॉन x पहली लिमिट ये दूसरी लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ पे ये क्या होगा 2 प्लस 2 y अपॉन x माइनस 1 अपॉन x y अपॉन x माइनस 1 ओके। ये एक मिनट का क्वेश्चन है बट मैं लिख रही हूँ बोल रही हूँ तो अपने को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा क्योंकि ये जो फालतू की टर्म नहीं लिखनी चाहिए वो भी लिखनी पड़ रही है प्लस y माइनस टू एक्स, तो रखो यहाँ पे ये लिमिट रखेंगे फर्स्ट वाली y अपॉन x वाई इसकी जगह 2 आ जाएगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा, 2 3 5 हो जाएंगे 5/1 राइट, और इधर क्या बचेगा ये मल्टीप्लाई में है ये प्लस में इधर रखेंगे ये पहली लिमिट रखेंगे तो 2 प्लस 2 2 प्लस 4 और इधर 1/∞ 0 ये 2 - 1 तो ये ऊपर 6 बन जाएगा इक्वल 0, तो यहाँ से क्या आएगा y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 y माइनस टू एक्स प्लस 6 इक्वल 0, तो यहाँ ये y माइनस टू एक्स में क्या बन गई द्विघाती इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस सी बन गई, इसके रूट कैसे निकालते हैं y माइनस टू एक्स इक्वल क्या आ जाएगा प्लस माइनस बी मतलब माइनस बी तो माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी 25 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 2 ए ओके,
ऐसा ही तो निकालते हैं, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, हाँ 6 चौके 24, 1 इधर से -5 प्लस -1 अपॉन 2, तो इसकी कितनी बनेगी, -3 और -2, जब +1 लेंगे तो -2 आएगा और जब -1 लेंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, -2x इक्वल, पहले तो ये वाला रूट और दूसरे 5 -2x इक्वल माइनस ये वाला, तो यहाँ से y-2x के समांतर कितनी अनंत चतुर्थी आ गई, एक तो ये वाली जिसकी परवणता कितनी है 3, और इधर एक ये वाली आ गई जिसकी परवणता कितनी है -2। ओके तो ये अपन ने किसके समांतर निकालनी है, y-2x के, तो लगे हाथ अपन इसके समांतर भी निकाल लेते, किसके समांतर, y-x के। ओके तो y-x के समांतर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो बच गया उसका भाग देना पड़ेगा, राइट। तो इक्वेशन क्या थी, इसमें भाग देंगे y-x को रखेंगे और इसका भाग देंगे, इसका y-2x के होल स्क्वायर का, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, निकाल रहे y-x के समांतर, समांतर अनंत स्पर्शियां, तो ये क्या, ये तो बच गया, ये तो अपने को रखना है प्लस, बाकी को जो बच गया लिमिट, फर्स्ट क्या थी वाई अपॉन एक्स टेंस टू 1 लेना है यहाँ पे, क्योंकि वाई अपॉन एक्स में ही तो जाती है वो, जो परवणता होती है उसकी, वही तो रखते हैं, दूसरी लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, तो y प्लस 3x बचेगा पहले वाले में, और एक y-2x कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बचेगा, इधर लिमिट फर्स्ट लिमिट y अपॉन x टेंस टू 1 और x टेंस टू इनफाइनाइट दूसरी लिमिट, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y-1, और ये y-2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दो बार क्या है ना, देखो इसमें तो ये कैंसिल हो गया एक बार y-2x इससे, और ये ऐसा कैसा, तो अब रखते हैं लिमिट, ये इधर ऐसा कैसा y-2x प्लस इसमें y अपॉन x रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3, और नीचे 1 माइनस, तो माइनस नीचे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और अपॉन में -1, यहाँ से y अपॉन x 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये 0 हो जाएगी, अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स था है ना, तो ये 0 हो गया इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आया y-x-4 इक्वल टू 0, तो y-x के समांतर एक अनंत स्पर्शी ये मिल गई अपने को, डन। तो अपने को यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा कि या तो आप क्या करो y-x के समांतर या फिर y-2x के समांतर वाली अनंत स्पर्शी ज्ञात करोगे, एक सेकेंड छींक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, वक्र x² - y² x+2y+1 और x+y+1 बराबर 0 की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, सबसे पहले अपने को अक्षों के समांतर देखनी है, अक्षों के समांतर तो देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि x3 का गुणांक आएगा, ये 3 का आपका समीकरण है ये बनाएगा, और y³ का गुणांक भी कांस्टेंट है, तो ये भी मतलब अक्षों के समांतर तो नहीं आएंगे इसमें, फिर अपने को ये एक चीज दिख रही है मुझे, क्या Fn वाला, ये वाला 3 घात का इक्वेशन है, 3 घात का पद है, और ये वाला 1 घात का पद है, और इसमें फैक्टर भी अलग अलग है, तो इसकी तो सीधी सी पड़ी है, ये वाला इसमें क्या लग जाएगा, ये मेथड लगा के अपन क्या, एफ एन के फैक्टर भिन्न भिन्न है, बिल्कुल है, y-x y+x और x+2y+1, तो ये इसकी क्या आ गई, 3 अनंत स्पर्शियां, कौन कौन सी, x-y=0, ये इसकी अनंत स्पर्शियां आती हैं, x+y=0 और तीसरी x+2y+1=0, 3 घात का समीकरण था, वक्र था, और उसकी 3 अनंत स्पर्शी आ गई, डन, मतलब इसमें बाकी कुछ बचा नहीं,
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और देखते हैं। क्वेश्चन है, वक्र x4 -5 x2 y2 +4 y4 x2 -y2 x+y+1 ओके इक्वल 0। तो इसकी अनंत स्पर्शिया निकालनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये कितने घात के पद हैं, ये चार घात का पद है, ये दो घात का पद है, चार के बाद में सीधा दो आ रहा है, तो अपना सब किस पे जाना चाहिए, एफ एन प्लस पी एन माइनस टू वाले पे। इसमें इसकी शर्त क्या होती है कि लीनियर फैक्टर होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे फैक्टर, इसके सारे गुणनखंड रेखीय और भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो अपन पहले वाला यही वाला ही ट्राई करते हैं, सारे फैक्टर भिन्न भिन्न इसके फैक्टर करके देखते हैं। एफ एन क्या है यहाँ पे, x4 -5 है x2 y2 और +4 y के पावर 4, ये है। तो इसके फैक्टर करके देखते हैं अपन, चलो करते हैं फैक्टर। ये x4 है, इसको ब्रेक करो क्योंकि 4 4, ये 4 4 बन रहा है, तो x2 y2 -1 ही बच गया, x2 y2 5 को मैंने ब्रेक कर लिया -1 और -4 में, +4 y के पावर 4। ठीक है, यहाँ से दोनों में क्या आ रहा है, x2 कॉमन आ रहा है पहले, x2 -4 y2, इधर भी y2 कॉमन आ रहा है, तो ये x2 -4 y2 बन गया फैक्टर। तो x2 -y2 ये बन गया और x2 -4 y2 इसको 0 के इक्वल करते हैं ना, वही उसके क्या हो जाते हैं फिर, अनंत स्पर्शी हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x -y और x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा, x -2y और x +2y। तो इसके चार अनंत स्पर्शियां आ गई, चार घात का बहुपद था, चार घात का वक्र था और उसके चार अनंत स्पर्शियां आ गई। कौन सी, x -y इक्वल 0, x +y इक्वल 0, x -2y इक्वल 0 एंड x +2y इक्वल 0। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा यही ही हुआ कि या तो अपने को देगा तो इसका क्वेश्चन देगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका क्वेश्चन सबसे इजी होता है करने में। इसके फैक्टर देखो लीनियर और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट अनंत स्पर्शी है। या फिर क्वेश्चन उसमें देगा कि परवलता ऑलरेडी दे के रखेगा कि इतनी परवलता वाली अनंत स्पर्शी निकालो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र वाई की पावर 4 प्लस x2 y2 +2xy2 -4x2 -y +1 इक्वल 0 की अनंत स्पर्शियां निकाल दिया। ओके okay? तो इसमें तो ये तो नहीं बन रहा वो वाला एफ एन वाला, इसमें तो ये चार घात का पद है और ये फिर तीन घात का है एक, और ये फिर दो घात का, ये एक घात का और ये 0 घात का, मतलब एफ एन वाला तो लगेगा नहीं। तो एफ एन वाला नहीं लगेगा, तो पहले अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां देखते हैं। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां क्या आएंगी, एक्स एक्स के समांतर x2 का गुणांक, तो x2 का गुणांक ये और ये, मतलब y2 -4 एक्स एक्सिस के समांतर, तो ये कितनी आएगी इक्वल 0, उच्चतम घात का गुणांक फिर उसके इक्वल 0 करते हैं, ये y -2 और y +2 आ गई, x के समांतर आ गई। अब बच गया चार घात का एक वक्र है, तो चार इसकी क्या आएंगे अनंत स्पर्शियां, दो निकालनी है, फिर दो किससे निकालेंगे, फिर तो वही फाइव एन एम ये वाला ही बचा, तो यहाँ से फाइव एन एम निकालते हैं। फाइव एन एम कितना है, जो उच्चतम घात वाले पद है, चार घात वाले दो पदों, उसमें एक्स की जगह वन और वाई की जगह क्या रखना है एम, तो ये बच ये बन गया, और फाइव एन -1 m निकालते हैं, वो कितना आएगा, एक वाला जस्ट छोटी, तो इसमें इसके कितने पद हैं, इसके
इसका भी एक ही पता, तो ये 2m² बन गया, राइट? स्पर्शिया निकलवाई है, तो यहां से इसके जो क्या होते हैं, इसके πnm=0 करते हैं, वहां से अपनी क्या प्रवणता आती है अनंत स्पर्शियों की, तो ये m² m² + 1=0, मैंने इसके टुकड़े कर दिए, तो यहाँ से m=0 0 एंड m =-1 ± i। इसका तो प्रवणता 0 है, तो ये तो इनकी प्रवणता ही आ गई, ये कितना है y −2=0 और यहाँ से y+2=0, तो ये तो दिख रहा है प्रवणता 0 इनकी, डन। तो ये वाले तो दो अनंत स्पर्शियां आ गई, बाकी दो अनंत स्पर्शियां क्या दिखा रहा है, काल्पनिक दिखा रहा है। ओके तो इसके टोटल 4 अनंत स्पर्शियां, तो दो तो ये है, इनकी तो प्रवणता ऑलरेडी आ गई 0, मतलब 0 प्रवणता वाली मतलब एक्सिसों के समांतर ही होती है। मतलब देखो प्रवणता कहने का मतलब ही ये लाइन है, इसकी प्रवणता 0 कब आएगी, जब टेन थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और 0 पे थीटा इक्वल 0 पे ही क्या होता है, टेन थीटा 0 होता है, मतलब थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस से धनात्मक दिशा की ओर बना गया कोण, मतलब इधर की ओर, तो ये खुद से ही तो एक्स एक्सिस क्या बनाती है, 0 डिग्री का कोण, और ये y-2 क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर, ये y-2 इधर, y-2 किधर लाइन, y=2 एक ये और एक ये, तो ये क्या होगी, y −2 पे और y = 2 पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, x² - y² + a² x² - y² + -a² xy = 0, इसके अनंत स्पर्शियां पूछी है। ओके तो अपन पहले तो क्या करेंगे, इसके x के समांतर मतलब x की उच्चतम घात का गुणांक, तो x की यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये कितने है? ये 4 घात का पद है, ये 2 घात का पद है और ये 2 घात का पद है। ओके तो इसी में अपने को x की उच्चतम घात का गुणांक मिलेगा, तो पहले तो x एक्सिस की उच्चतम घात का गुणांक देखेंगे, तो x एक्सिस की उच्चतम घात x4 होगा यहाँ से, और इसका गुणांक तो कांस्टेंट 1 आ रहा है, मतलब ये x एक्सिस के समांतर अपने को कोई अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी। दूसरा जो y की उच्चतम घात का गुणांक, तो वो कितना आ रहा है, यहाँ से एक तो माइनस क्या आ रहा है, -x² पहले वाली टर्म से, दूसरे वाली टर्म से -a², राइट, ये तो आ रहा है, तो यहाँ से कितना आया, ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, x² - y², अच्छा इसको खोलेंगे तो x² + y² - xy आएगा 2xy, तो ये प्लस का आएगा x² = 0, तो यहाँ से कितना आएगा, x = ± a कितना आ गया एक, ये तो अनंत स्पर्शी आ गई, कौन सी, एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शी, 4 घात की इक्वेशन है वक्र की, दो तो मिल गई, दो क्या है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि तिर्यक है, तो तिर्यक सीधी से अपने को दिख रही है कि ये वाले इसके समांतर होंगे, देखो इसमें क्या एक्स के समांतर तो ये वाली आ गई, अब बच गई ये वाली, तो x - y के समांतर होंगी दो, या फिर y - x के समांतर, तो इसमें वो वाला अपन जो थर्ड मेथड था वो लगाते हैं, x - y का कोफिशियंट एक जगह रख लेते हैं और बाकी की लिमिट लगा के बाकी के इक्वेशन को, तो x - y मतलब y/x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, मतलब ये प्रवणता की पहली लिमिट जो होती है वो प्रवणता की तरफ होती है, मतलब प्रवणता की वैल्यू रखते हैं पहली लिमिट में, और दूसरी लिमिट इनफाइनाइट होती है, तो x - y जो इक्वेशन है इक्वल 0, इसकी प्रवणता कितनी हो गई, y = x
तो इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ सी की वैल्यू भी 0 और प्रवणता कितनी आ रही है, एम इक्वल 1, दोनों की कंपेयर करें तो यहाँ से ये फर्स्ट वाली लिमिट आती है। ओके, तो एक्स माइनस वाई के समांतर अपन अनुस्पर्शी निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अपॉन में अपन भाग देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, और फिर इसको भी साथ में ले लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई। डन, बार बार अलग अलग क्यों लेना, तो करते हैं यहाँ से आगे का। अब इसमें ऑलरेडी एक क्या है, एक्स माइनस वाई की टर्म है इस वाले पद में, पर एक्स स्क्वायर का भाग दिया है, फिर ये कहाँ से आ गया भाई। तो गए इसको तो बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ये वैल्यू तो अपन रख ही नहीं सकते ना, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, इसमें एक टर्म मैं बाहर ले लेती हूँ, इसको अलग अलग रखती हूँ मैं। देखो मैंने क्या करा, जो क्वेश्चन था उसमें इसको ब्रेक करा, इसको ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले की जगह प्लस लिमिट लगाई फिर से वाई अपॉन एक्स से कि 1 और दूसरा एक्स टेंड टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स बच गया। ठीक है, यहाँ से इसमें एक्स माइनस वाई बाहर लगा निकाल देंगे फिर, क्योंकि इसकी जगह 1 नहीं, ये तो क्या है एक्स इसके समांतर तो अपन निकाल रहे हैं अनंतस्पर्शी, ये टेंस टू 1 और एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या बचा, साथ में ए स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बचा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स्ट्रा है। ठीक है, प्लस इसमें वैल्यू रखेंगे वाई अपॉन एक्स की जगह 1, तो ये क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर। ओके, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे रखेंगे ना। तो यहाँ से क्या आया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस का आएगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है, तो ये क्या आएगा, माइनस का यहाँ पे माइनस। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई इक्वल क्या बना, प्लस माइनस ए। तो जो अनंत स्पर्शी थी एक्स माइनस वाई के समांतर, उसकी उसके समांतर एक्स माइनस वाई बराबर ए और एक्स माइनस वाई बराबर माइनस ए, ये अनंत स्पर्शी आ गई। डन, तो कितने घात का वक्र था ये, 4 घात का वक्र था, इसकी दो अनंत स्पर्शियां ये आ गई और दो पहले आ गई थी किसके समांतर, वाई एक्सिस के समांतर। देन क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, आपको पहले से दे रखा होगा, या तो इसमें समांतर वाले पूछेगा एक इसका क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 इक्वल 0, ये वक्र दे रखा है, इसकी अनंत स्पर्शियां पूछी है। ओके, तो यहाँ पे ये कितनी है, 1 2 2 4 6, ये 6 घात के पद है। ओके, एंड ये 4 घात के, तो सीधा सा है, 2 का अंतर दिख रहा है, तो मुझे क्या कौन सा अप्लाई करूंगी मैं, ये वाला एफ एन पी एन माइनस 2 वाला। डन, क्योंकि इसके फैक्टर भी मुझे लीनियर और डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, ये सारे अलग अलग हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 6 घात की, यहाँ पे 6 अनंत स्पर्शियाँ निकल गई, इसमें जो अक्षों के समांतर वो भी साथ में निकल गई, क्योंकि
एक्स इक्वल जीरो, वाई इक्वल जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो, और दूसरी एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो। और यहाँ से एक इसका करेंगे तो एक्स माइनस टू वाई इक्वल जीरो और एक्स प्लस टू वाई इक्वल जीरो। डनाडन, तो ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः अनंतस्पर्शी आ गई इसकी सारी की सारी। छः हाथ का बक्कर था जिसकी छः अनंतस्पर्शी होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना क्वेश्चन, एक्स फोर माइनस वाई की पावर फोर बराबर ए स्क्वायर एक्स वाई, इसके अनंत स्पर्श निकालनी है। तो ये भी क्या, वही मुझे तो वही दिख रहा है एफ एन वाला। एक्स फोर माइनस, ये चार घात का है और ये दो घात का, दो घात का अंतर आ गया वाई फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल जीरो। तो मैं एफ एन को ले लेती हूँ, इसके डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे अपने को बिल्कुल। एक्स फोर माइनस वाई फोर इक्वल जीरो, इसका पहला तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डन इक्वल जीरो। यहाँ से एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसका क्या बनेगा एक्स माइनस आयटा वाई और एक्स प्लस आयटा वाई। तो इसकी दो, ये तो क्या आ गई इमेजनरी आ गई, बाकी दो क्या आ गई एक्स बराबर वाई और एक्स बराबर माइनस वाई, ये तो आ गई 45 डिग्री वाली। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस वन इक्वल जीरो। तो ये तीन घात का वक्र है, बिल्कुल है, और बाद में लास्ट में जीरो घात का है, तीन से सीधा एफ एन वाला लग रहा है। इस एफ एन के क्या करेंगे डिस्टिंक्ट रूट बिल्कुल मिलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वाई माइनस टू, इसको अपन ब्रेक करेंगे तो ये एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस माइनस टू इक्वल जीरो। तो इसकी अनंतस्पर्शियाँ कौन सी आ गई, एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो पहली, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस टू इक्वल जीरो दूसरी, एंड एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल जीरो तीसरी। तीन घात का वक्र था, उसकी तीनों अनंतस्पर्शियाँ आ गई। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। वाई एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल जीरो, इसकी अनंत स्पर्शियां निकालनी है। अब देखते हैं इसमें, ये चार घात का, ये चार घात का, ये दो घात का, मतलब एफ एन वाला लगेगा इसमें, बट इसके डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए एफ के, बट ये तो तीन है। देखते हैं कॉमन लेके, कॉमन लेके बन रहे हैं, जैसे लास्ट इक्वेशन किया था ना अपन ने, तो मैं एक्स माइनस वाई इसमें कॉमन ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई और ये स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें ये तो कॉमन ले लिया, इधर माइनस टू इक्वल जीरो। देखते हैं बनाते हैं बनते हैं, तो क्योंकि फिर तो या तो ऐसे ही बोल देता कि वाई माइनस एक्स माइनस वाई के समांतर अनंत स्पर्श निकालो। चलो करते हैं इसका, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसमें वाई कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वन बन रहा है, माइनस टू इक्वल जीरो। तो यहाँ से इसको ये क्या हो गया एक्स माइनस वाई, ये वाई, और इससे इससे क्या बन जाएंगे एक्स माइनस वाई प्लस वन और एक्स माइनस वाई माइनस वन, बन गए चार अलग अलग फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वाई इक्वल जीरो एक अनंत स्पर्श, दूसरी एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो, तीसरी एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल जीरो, और चौथी एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल जीरो। चार अनंत स्पर्श आ गए, चार घात का वक्र था, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है अपना
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर की अनंत स्पर्शिया निकालनी है। ओके तो देखते हैं, ये 4 घात का है, ये भी 4 घात का है, मतलब बात सीधी सी इतनी एफ एन वाला तो ना लगे इसमें। तो अरे तख्तों के समांतर देखते हैं, इसमें एफ एन वाला नहीं लगेगा तो सारी आ जाती, बट नहीं लग रहा। चलो एक्सों के समांतर देखते हैं, एक्स एक्स की उच्चतम घात का गुणांक ये 4 है, एक्स एक्स की तरफ तो एक्स एक्स के एक्स के समांतर तो नहीं आएगा, तो वाई एक्सिस के समांतर तो आएगा ना। इधर इसकी उच्चतम घात का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आ गई, एक्स बराबर प्लस माइनस ए, दो अनंत स्पर्शियां तो आ गई, बच गई 2। तो वो क्या है, वो तिर्यक अनंत स्पर्शी है, तो उससे कैसे निकालेंगे। जो उच्चतम घात वाले पद हैं उसमें क्या रखेंगे, चलो इसको उससे निकालना है तो पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको अरेंज फॉर्म में रखो, तो ये अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स की पावर 4 फिर इधर क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर आएगा तो ये कितना गया प्लस का 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो 5 nm क्या बना, एम स्क्वायर राइट, 5 nm क्या बना, अच्छा ये भी है ना, 1 माइनस m स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 1 कर लो। चलो एम स्क्वायर माइनस 1 ही रख दिया मैंने, इसको 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 1 आई। अब c की वैल्यू निकालनी है, इससे जस्ट छोटी वाली का एफ एन माइनस 1 4 का है, तो 3 के तो पद ही नहीं है, 3 घात के, तो ये 0 हो गया। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 0, क्योंकि c की वैल्यू क्या होती है, माइनस 5 nm, 5 n माइनस n, और ये 5 n लेस, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो कुछ भी रखो 0 ही आनी है, तो सी 1 के लिए भी, सी माइनस 1 के लिए भी 0। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, वाई माइनस एक्स इक्वल 0 और वाई प्लस एक्स कैसे आई, कि अपने को पता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में वैल्यू रखनी है, सी की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो एक ये आ गई एक ये आ गई। ठीक हो गया काम खत्म। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 0। इसकी सारी अनंत स्पर्शियां निकालनी है। सबसे पहले तो अक्षों के समांतर देखेंगे, क्योंकि ये मुझे वो तो लग नहीं रहा है, 3 घात के बाद में सीधा 2 घात के पद है, तो एफ एन वाला भी नहीं है इसमें, 5 n वाला ही लगेगा। अक्षों के समांतर भी नहीं, एक्स क्यूब का गुणांक 1 है और एक वाई क्यूब का गुणांक -2 है, तो एक्सों के समांतर भी नहीं मिलेंगे। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी मतलब इसमें एक्स की जगह 1 और वाई की जगह क्या रखना है, एम, यहाँ से क्या बना 1 प्लस 2 m, तो इसमें m की वैल्यू कितनी आई, m बराबर एक तो प्लस माइनस 1 आई और दूसरी m बराबर माइनस का हाफ। मतलब अब c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू के लिए क्या चाहिए अपने को, तीनों अलग अलग हैं, तो c की वैल्यू एक वाले इक्वेशन से निकल जाएगी। इसकी वैल्यू निकालना है 5 n माइनस 1 m की, तो ये कितना हो जाएगा, 5 m² प्लस 5 राइट। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल -5 n-1 m अपॉन 5 n m। इसका n डैश निकालेंगे, पहले वैल्यू रख देते हैं अपन, क्या -5 m² -5 ये आ गई ऊपर की, तो नीचे की क्या आएगी,
इसको क्या करो पहले, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं इधर, ठीक है। ये 1 प्लस 2 m बनेगा, फिर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2 m³, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -6 m² -2 m+2 ये आएगा ना। अब अपने को c की वैल्यू क्या रखनी है, पर तो 1 रखते हैं। 1 रखने पे कितनी आई, ऊपर वाली इक्वेशन में 1 रखेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये तो नीचे तो माइनस का 10 बनेगा ऊपर तो, और नीचे माइनस का 6 माइनस का 2 और 2, तो यहाँ से कितना बना, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 6 बना, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 बचे 5/3। जब वाई की एम की वैल्यू कितना है, -1, एम की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है, 5/3। तो एक तो अनंत तिर्यक अनंत स्पर्शी आ गई। अब जब सी की वैल्यू -1 हो, -1 रखो तो ऊपर माइनस का 10 बन रहा है, नीचे -1 रखने पे ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो इधर नीचे बनेगा माइनस का 2, तो यहाँ से कितना बचा, 5। जब अपन ने एम की वैल्यू -1 ली तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, दूसरी अनंत स्पर्शी ये आ गई। इसमें वैल्यू रख रही हूँ मैं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में। अब जब सी की इसकी सी की वैल्यू एम की वैल्यू कितनी है, -1/2 लेनी हो तो -1/2 रखेंगे ऊपर, तो 5/ माइनस का 5/4 माइनस का 5, नीचे हाफ रखनी है तो माइनस का 6/4, और ये माइनस का हाफ रखेंगे तो ये -1 और ये +2, तो +1 बनेगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 20 - 25 और नीचे -6/4, अच्छा माइनस का 6 है और प्लस का 4 है तो 2 बच गया। माइनस का 2 बच गया, तो माइनस का 2 ये से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 20, ओके। तो 25/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई बराबर 1/2 x प्लस 25/2, तो यहाँ से कितनी आ गई, 2 y + x बराबर 25, तीसरी अनंत स्पर्शी आ गई, ओके। तो बात सीधी सी है कि अपने को सभी अनंत स्पर्शियां पूछी हो और सारे डिफरेंट हो, तो 5 nm वाला ही लगाना है मेथड, और कोई स्पर्श स्पेशल अपने को प्रवणता दे रखी हो या फिर किसी स्पेशल लाइन के समांतर दे रखी हो तो लिमिट वाला मेथड लगाना है। अब देखो, दो चार क्वेश्चन और हो गए, उनके लिए अपने को क्या करना है, पीछे वाला जो था अपना वो देखना है, मतलब पीछे अपन ने एक चीज अपन ने क्या करी थी, कुछ पॉइंट्स नोट करवाए थे मैंने यहाँ पे। मैंने देखो ये संयुक्त समीकरण लिखी थी अनंत स्पर्शियों के लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले लेक्चर में, और फिर संयुक्त समीकरण और जो मैन इक्वेशन थी वक्र की, उसमें एक क्या आया था, मैंने मैंने बताया था कि ये कुछ एक कुछ पद बच जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, इस वक्र पे क्या होता है, जो कटान बिंदु होते हैं वो उस वक्र पे स्थित होते हैं, ठीक है। ये बताया था कि एक अनंत स्पर्शी एन खाती है वक्र को, n-2 बिंदुओं पर कट करती है ये वाला, और उसके बाद में क्या बताया था, n×n-2 बिंदुओं पर सारी अनंत स्पर्शियां, एन अनंत स्पर्शियां एन घात के वक्र को n×n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, और वो प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ पे होते हैं, जो वक्र की जो अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण है वो, और जो वक्र की संयुक्त जो समीकरण है उसमें जो स्टेप है ना सेम नहीं आ रहे, उनको उनसे मिला के जो बनती है, ठीक है। ये अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में वो करा था, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है 3, जो एग्जाम में आया हुआ एक, तो उसके टाइप के अपन दो और कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन क्या है, वक्र x²-5x²+4y²+x²-y²+x+y+1 =0। वक्र की
अनंत स्पर्शियों के कटान बिंदु स्थित होंगे, इस वक्र की अनंत स्पर्शी के कटान बिंदु। स्थित होंगे तो ये बात मैंने किस पे बताई थी? पहला है वृत्त, दूसरा है दीर्घवृत्त, सर्किल, हाइ पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, ये दे रखे हैं। सी है अति परवलय, होती है पैराबोला। ठीक है, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था? इसके लिए अपने को क्या करना है, जो जिस पे कटान बिंदु स्थित होते हैं वो क्या होता है, जो वक्र दे रखा हो f(x-y) और उसमें से क्या करना है, अनंत स्पर्शियों का समीकरण, संयुक्त समीकरण है ना, तो सारी अनंत स्पर्शियों को गुणा करके जो अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण उसको घटाना है इस वक्र में से। तो जो अपने को वक्र मिलेगा और घटाने के बाद में, मैंने कल ये बताया था पूरा करके, जो वक्र मिलेगा उसी पे क्या होंगे, कटान बिंदु स्थित होंगे। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ओके, अपने को देखो 2-3 क्वेश्चन करेंगे उससे पता लग जाएगा कि क्या है इसमें। अब देखो ये वाला, इसकी अनंत स्पर्शियों का जो समीकरण है वो संयुक्त समीकरण क्या मिलेगा? अब इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या है, एफ एन वाला है, ये 4 घात के पद हैं और 4 के बाद में सीधे 2 है, 2 घात के हैं, तो इसमें सारी अनंत स्पर्शियां किससे, एफ एन से ही निकलती है ना, तो संयुक्त समीकरण कौन सा हो गया, ये हो गया, ये तो हो गया, मतलब इसी से तो अपन क्या निकालते हैं अनंत स्पर्शियों की। तो यहां से अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण ही क्या है, एक्स की पावर 4, 5x²y²+4y की पावर 4, और वक्र क्या दे रखा है, ऑलरेडी ये दे रखा है, तो इसमें से वक्र में से मैं अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण निकाल दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, आगे वाला स्टेप। तो ये बचा, अब ये किस इसी पे क्या होंगे, जो अनंत स्पर्शियों के कटान बिंदु होते हैं वक्र के, वह होंगे। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये अपने को दिख रहा है, ये अति परवलय की इक्वेशन है, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई अपने को अनंत स्पर्शियां निकालनी पड़ेंगे, फिर उसका संयुक्त समीकरण निकालना पड़ेगा, इतना कुछ नहीं आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल का है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, जैसे उस वक्त उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, का क्षेत्रफल क्या होगा, जो वक्र xy(x²-y²+x²+y²)=a² तथा इसकी अंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन से गुजरता है, तथा इसकी अनंत स्पर्शियों के, तो कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु आगे ना, ये प्रतिच्छेदन से गुजरता है, तो कौन से वक्र पे ये प्रतिच्छेदी कटान बिंदु स्थित होंगे? तो क्वेश्चन का मतलब वही है, सिर्फ इसने क्या करी है, लैंग्वेज चेंज करी है। तो अपने को पता है ये वक्र अपने को क्या दे रखा है, xy(x²-y²+x²+y²)=a². तो यहां से ये कितने घात का वक्र है, ये 4 घात के पद है, ये 2 घात के पद है, तो अनंत स्पर्शियों की जो समीकरण मिलेगी वो किससे मिलेगी, एफ एन से, xy(x²-y²=0, यहीं से तो आएगी अनंत स्पर्शियों की, एक ये अनंत स्पर्शी मिलेगी, दूसरी ये मिलेगी, तीसरी x+y=0 और चौथी x-y=0, ये मिलेंगी ना चारों, इनकी संयुक्त समीकरण बनाएंगे तो इनको गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो अपने पास कौन सी आएगी, यही समीकरण वापस आएगी। डन, तो इसमें से जो वक्र में से अपने को संयुक्त समीकरण निकालना है, तो इसमें से ये वाला पद हटा देंगे तो क्या बचेगी अपने पास, जो कटान बिंदु वाला वक्र है वो बचेगा, x²+y²=a² इसी वक्र पे तो कटान बिंदु स्थित होंगे, तो ये किसका है, वृत्त की इक्वेशन है, और
और जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर इक्वल ए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई ए स्क्वायर। ओके, इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्र दे रखा है कि अनंत स्पर्शी वक्र को कुल कितने बिंदुओं पर काटेंगे और वो कहाँ स्थित होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, वक्र अपने को दे रखा है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25x² प्लस 9y² माइनस 144=0। ये इसकी अनंत स्पर्शिया वक्र को कुल कितने बिंदुओं पर काटेंगे, एक तो नंबर ऑफ जो कटान बिंदु है उसके नंबर पूछा है कितने हैं। तो मैंने बताया था एक अनंत स्पर्शी वक्र को n-2 बिंदुओं पे काटती है, तो n अनंत स्पर्शियां कितने बिंदु पे काटेंगे, n × n-2 पे। तो ये कितने घात का वक्र है, चार घात का वक्र है, चार घात का वक्र कितने बिंदुओं पे काटेंगे, तो ये कितने आएंगे, आठ बिंदुओं पे। एक क्वेश्चन हो गया, कहाँ स्थित होंगे ये, तो सबसे पहले इसके अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण निकालना है। सीधा सीधा दिख रहा है ये चार घात के पद है, ये उसके बाद में दो के हैं, मतलब यहाँ से क्या निकल गई, अनंत स्पर्शियां निकल गई, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये संयुक्त समीकरण हो गया। अब इसको वक्र में से घटा रहे हैं तो अपने पास क्या बचेगा, ये 25x² प्लस 9y² इस पे स्थित होंगे। ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, क्योंकि इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, इसको भाग दे दो 22 बार इसका 144 का पूरी इक्वेशन में, तो कितना बचाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5/12 प्लस का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन, इधर क्या बचेगा, 9 × 3 = 9/12 का होल स्क्वायर इक्वल 12/5 का, सॉरी 12/5, और इधर 3/12। तो किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। तो यहाँ से कि उस ये कौन से वक्र पर स्थित होंगे कटान बिंदु, इलिप्स पे। डन, तो आज का जो अपना अनंत स्पर्शियों का टॉपिक था वो खत्म हो गया है। कल अपन कर्वेचर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर रहने वाला देखते हैं। ओके, बाकी कल मिलते हैं, और आपको 10 बजे वो वाली जो लिमिट और कंटिन्यूटी की प्रैक्टिस वाला पोर्शन था वो मिल जाएगा।